एवन पंजाबी ते एवन न्यूज़ विच आप सब का स्वागत करदा। दोस्तों त्रिपुरा चलते हैं जी। मैं दसना चाहुंदा कि इन्हां दिनां विच मूर्तियों नूं तोड़न का जो विवाद चल रहा है वह विवाद थम्मण का नाम नहीं लै रहे, वह विवाद वधदा ही जा रहा और उसनूं रोकना चाहिए क्योंकि ये मूर्तियां आम नागरिक दियां नहीं है, ये उन्हां दियां मूर्तियां ने जिन्हां ने समाज लई घालणा घाली है और इत्थे वसनी है। दोस्तों समाज नूं उन्हां दे हक्कां लई जागरूक किया और उन्होंने साहित्य के जरिए और अपनी हिम्मत के जरिए समाज नूं एक मुठ होण दा संदेश दिता। जो मूर्तियां तोड़ियां गईयां ने पहलां वेखो होए पिक। तो नाल दी नाल दोस्तों इस मूर्तियां का विरोध भी किया, भारत सरकार ने भी किया, अलग अलग लोगों ने भी किया और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां ने भी इसका विरोध किया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दें कि कहीं इस प्रकार की किसी हरकत में कोई इन्वॉल्व न हो, जो भी इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। वो कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स के अंदर रख सकते हैं, वो उसको तोड़ा तो नहीं है, उस मूर्ति को भेज देंगे हम कम्युनिस्ट पार्टी को, वहाँ अंदर रखें और पूजा करें। और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जो इस तरह का होवे तो उस वेला समझो कि साड़ी जिहड़ी संस्कृति है उसनू किते ना किते नुकसान जो पहुँचाया जा रहा, उस नुकसान दे करके हर एक दे इंसान विच दुख दी भावनावां जरूर पैदा। प्रोग्राम के अंत में दोस्तों कमेंट करया करो, कमेंट चंगी भाषा च करया करो, वलगर भाषा का इस्तेमाल ना करया करो। जेकर तुहाडे कोल भी कोई खबर है उसकी पुख्ता जानकारी है तो प्लीज़ तुसी सानू मेल करो। साड़ी मेल आई डी है khariyankhariyan@gmail.com। जे संपर्क करना चाहते हो 6280 3637 29 कर सकते हो और एवन पंजाबी तो एवन न्यूज़ नू वध तो वध सबसक्राइब करो। If you like this video, please subscribe the channel, like and share this video.